मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। नदोपासना युवा संगीत सम्मेलन का आयोजन हुआ संपन्न। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी मुरारीलाल अग्रवाल ने किया। प्रसिद्ध रंजना देवी संगीत महाविद्यालय वपक केंद्र कानपुर के पल्पा द्वारा मचेल चेंबर हॉल में नदोपासना युवा संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न स्थानों से आए युवा साधकों का अद्भुत समागम हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु पंडित विनोद कुमार द्विवेदी, मुख्य अतिथि जाने माने उद्योगपति व वरिष्ठ समाज सेवी मुरारी लाल अग्रवाल, प्रख्यात बांसुरी वादक पंडित चेतन जोशी, प्रबंधक रंजना द्विवेदी, संस्थान के प्राचार्य आयुष द्विवेदी, उपाध्यक्ष आशुतोष शुक्ला, सम्मानित अतिथि गण प्रमोद द्विवेदी एवं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्रथम प्रस्तुति के रूप में माँ वीणा पाणी की वंदना माँ शारदे कृति गुप्ता तथा आदर्श गुप्ता द्वारा प्रस्तुत की गयी। कार्यक्रम में संस्थान के छात्रों के विभिन्न वर्गों द्वारा संगीत की अलग अलग विधाओं जैसे ध्रुपद, चतुरंग, ख्याल, ठुमरी आदि में मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई, जहां एक तरफ अक्षय शुक्ला तथा चेतन गुप्ता का राग गोरख कल्याण में जय जय जगत जननी ध्रुपद गायन सबका मन मोह रहा था, तो वहीं दूसरी ओर आशुतोष पांड्या का राग केदार कान्हरे तथा मृदुल अवस्थी का राग मालकौंस में तेरो लादला माने नहीं ख्याल गायन बको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। अनुराग वर्मा की ठुमरी गायन तथा अनुष्का जपाई ने भजन श्याम नयनन में समायने कार्यक्रम को एक अलग ही ऊंचाई प्रदान। कार्यक्रम में संस्थान के 51 छात्रों ने एक साथ ध्रुपद जैसा क्लिष्ट एवं प्राचीनतम गायन प्रस्तुत करके सबको अचंभित कर दिया। कार्यक्रम में प्रस्तुत की गई लगभग सभी रचनाएं गुरु विनोद कुमार द्विवेदी द्वारा लिखित व स्वरबद्ध की गई थी। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण दिल्ली से आए आंजनेय जोशी द्वारा प्रस्तुत किया गया बांसुरी वादन तथा वैभव राम अयोध्या आराध्य प्रवीण लखनऊ अमित विश्वकर्मा महोबा द्वारा प्रस्तुत किया गया। बांसुरी में आपने राग दुर्गा में विलंबित तथा राग भटियाली में धुन प्रस्तुत की। कार्यक्रम में संगतकार के रूप में मुकेश द्विवेदी तथा संयोजन आयुष द्विवेदी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का कुशल संचालन प्रीति शुक्ला ने किया। बाबूजी आज कहाँ पे आना हुआ है, क्या कार्यक्रम है? प्रख्यात बांसुरी वादक चेतन जोशी को गुरु गंधर्व सम्मान, विनोद अग्रवाल, डॉक्टर कमल किशोर गुप्ता, शंकर लाल भट्ट तथा नगर के प्रबुद्ध श्रोतागण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन पंडित विनोद कुमार द्विवेदी द्वारा किया गया। स्वैच्छिक दुनिया के लिए संवाददाता मोहम्मद आमिर की खास रिपोर्ट। शास्त्रीय संगीत के सामने जितनी मेहनत है, जितना चेहरे पे जवाब यहाँ शास्त्रीय संगीत के लोगों को है वहाँ है, योग से नहीं आते। उन्होंने अपने योग से ही ज्यादा महत्व शास्त्रीय संगीत को दिया, उनके बात से मैं सहमत थी। यहाँ जो शास्त्रीय संगीत पे जितने भी लोगों ने गाया, हमारे जी के पुत्र है, इनका चेहरा आप देखिए, लगता है ना कि योग से इतनी सुंदरता नहीं आती जितनी शास्त्रीय संगीत। मैं इनको बना रहा हूँ, इनकी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाकर जो मेरा सम्मान किया है, जो उसका चाहते।